महाराष्ट्र की जिन लोकसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है उनमें से एक है नागपुर सीट, जहां से लगातार तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी को चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के मौजूदा विधायक और पूर्व मेयर विकास ठाकरे। नागपुर से हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूँ देश के बीचों बीच, जिसे भारत का केंद्र भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का नागपुर वैसे तो यहाँ के स्वादिष्ट संतरों के लिए जाना जाता है, लेकिन संतरों का मौसम आने में अभी कुछ वक्त बाकी है। लेकिन वक्त हो चला है चुनाव का, और चुनाव की गर्मी और मौसम की गर्मी के इस मेले में किस्मत दांव पर लगी है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, जो कि दो बार नागपुर की इस लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। लेकिन सस्पेंस इस बात पर है कि क्या नितिन गडकरी तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे। नामांकन पत्र भरते वक्त गडकरी के चेहरे पर दिख रही मुस्कान बताती है कि वे लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। जब बीजेपी की पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया तो यह अंदेशा जताया जाने लगा कि शायद गडकरी का टिकट कट सकता है, लेकिन दूसरी लिस्ट में उनका नाम मौजूद था। जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। किसी भी स्थिति में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, पर मेरा प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो उत्साह है और कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख से ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। नागपुर शहर को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करके एक ग्रीन शहर बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। विशेष रूप से मैं कोशिश करूँगा कि नागपुर के युवाओं को, अभी 68,000 लोगों को बिहार में रोजगार मिला है, 1 लाख आंकड़ा में 1 साल के अंदर पूरा करूं। गर्व से जनता कहती है सारी है अपने नितिन जी गडकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में गडकरी ही एकमात्र ऐसा नाम है जिनकी अपनी पहचान है। कुछ लोग उन्हें कुछ समय पहले तक बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर भी बताते थे। उधर नागपुर की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि गडकरी के सामने इस बार का चुनाव कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसके पीछे की वजह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी, जिनकी ग्राउंड पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, पिछले 10 साल में जो गडकरी का जो एक लार्जर देन इमेज बना है कि वो सिर्फ नागपुर का नहीं देश का नेता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है देश में, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, तो इसके कारण उनका पॉपुलरिटी तो है। मुझे लगता है कि इस पॉपुलरिटी के साथ साथ ऐसा भी हुआ है कि उनको नागपुर के साथ जो कनेक्टिविटी है वो कम हुआ है, कि वो शायद नागपुर में को कम समय दे पा रहे हैं पिछले कई सालों से। ठाकरे ये युवा है, नागपुर शहर का कांग्रेस का प्रेसिडेंट अभी भी है, इससे पहले नागपुर का मेयर रहे, तो नागपुर के हर मोहल्ले वो जानता है ठीक ठाक से, तो उसके साथ साथ बहुत एक्सेसिबल लीडर है। नागपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास ठाकरे नागपुर से मौजूदा विधायक भी है। नागपुर शहर कांग्रेस के पिछले 10 साल से वे अध्यक्ष भी है, नागपुर के मेयर भी रह चुके हैं। तगड़ा जनसंपर्क भी ठाकरे की मजबूत कड़ी मानी जाती रही है। ठाकरे का कहना है कि लोकसभा का ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई है, हुकुमशाही के खिलाफ में ये लड़ाई चालू है। संविधान को जो बोलते हैं कि 400 पार करके हम संविधान खतरे में लाएंगे, उनके खिलाफ लड़ाई चालू है। 10 साल तक भाजपा सत्ता में थी, देश की जनता ने भाजपा को 10 साल सत्ता में रखा, अपोजिशन खत्म हो जाए यही मंसूबा लेकर 10 साल में मोदी जी ने काम किया। अपोजिशन का लीडर स्ट्रांग है, उसको जेल में डालो, नहीं तो पार्टी में डालो, कोई पार्टी की सरकार बनी है उसको तोड़ डालो, उसके नेताओं को ख़त्म करो। तो मुझे लगता है ये देश में से अपोजिशन ख़त्म करने की जिसकी मानसिकता है, उस मानसिकता के खिलाफ ये देश में चुनाव है, और मुझे लगता है देश की जनता ये चुनाव इनके खिलाफ लड़ रही है। नागपुर में अमित बदल हुआ है,
पिछले 10 सालों में नागपुर में निर्माणाधीन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों को नागपुर शहर जो है वो टक्कर देता हुआ दिख रहा है। देश भर में हाईवे का जाल बिछाने के लिए जाने जाने वाले नितिन गडकरी इन दिनों नागपुर में हुए इस कायाकल्प को लेकर भी चुनावी प्रचार में अपना मुद्दा उपस्थित कर रहे हैं। विकास की राह पर भी नागपुर आगे बढ़ा है। बीते 10 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलाकर लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए नागपुर शहर के मेगा प्रोजेक्ट के लिए खर्च किए हैं। मेट्रो, एम्स, IIM, नेशनल लॉ कॉलेज जैसे शिक्षा संस्थान भी यहाँ खुले हैं। पहले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं नागपुर मेरे ख्याल से तो, हाँ, और अभी भी सामने भी और होने वाली है मुझे लग रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ये डबल इंजन सरकार की वजह से हुआ? हाँ लग रहा है। विकास ठाकरे या नितिन गडकरी कौन जीत रहा है? नितिन गडकरी है, तो विजनरी इंसान है, तो काफ़ी निर्भर करेगा अभी। विकास ठाकरे जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है वो भी यंग विधायक रहे हैं, यहाँ पर विधायक है, वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका इतना डेवलपमेंट में इतना कुछ असर पड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू नितिन गडकरी। काफ़ी अच्छे विजनरी इंसान है, तो ज़्यादा भरोसा हुआ नितिन गडकरी ऑप्शन। चारों तरफ विकास कर रहे हैं नितिन गडकरी। वैसे नागपुर कई विचारों का गढ़ रहा है, यही RSS का मुख्यालय है, यही अंबेडकर की दीक्षा भूमि भी है और यहाँ नक्सल आंदोलन की भी एक धार रही है। इस सीट पर जीत हार में दलित और पिछड़ा वर्ग मतदाता अहम भूमिका निभाते रहे हैं। नागपुर लोकसभा सीट पर 13 बार कांग्रेस जीत हासिल कर चुकी है, जबकि BJP को 3 बार ही सफलता हासिल हो सकी है। नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसी नागपुर शहर से आते हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि डबल इंजन की सरकार क्या फिर एक बार नितिन गडकरी को लोकसभा पहुंचाती है या फिर नागपुर में बदलाव की हवा देखने मिलेगी। नागपुर से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर और मेरे सहयोगी संजय तिवारी के साथ रौनक कुकड़े NDTV इंडिया के लिए।